सो गाइस देखो, अभी आज हमारे घर पर ब्रेकफास्ट एंड लंच यानी कि ब्रंच ये हो रहा है। आलू की सब्जी, टमाटर की एंड लहसुन की चटनी, नारियल की चटनी, इडली एंड सांबर, और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सुअर बैठी है, और ये रहा मेरा दच्चू जच्चू जच्चू जच्चू। कुछ काम किया तूने सुबह से उठकर घर पे? हाँ पाइप तोड़ी ना। हाँ पाइप तोड़ दिया जिसने, मार खाएगा ये। था मेरा आर्म्स डे, टोटली ट्राइसेप बाइसेप फोरआर्म सभी एक्सरसाइज खत्म कर दी है। अभी मिलते हैं डायरेक्ट घर, पूरे हाथ एकदम पम्प्ड है, पता नहीं घर पे क्या हालत होगी। खुद के हाथ से खा भी नहीं पाऊँगा, वैसे आज बहुत ही ज़्यादा खाया है। चलो बढ़िया है, घर जाकर मिलते हैं, और बहुत सारी बातें करनी है घर पे। कि सुबह से मैंने एक भी व्लॉग में कुछ शूट ही नहीं लिया है, सो घर जाकर मेन बात करते हैं। लाली बेटा, जो भैया आया, जो बेटा भैया आया। लाली, लालू भैया जो बेटा। ऐसी जगह पर लाली ने बच्चे दिए हैं। इस साइड बच्चे हैं, इस साइड, और यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, सो मैं चाहकर भी नहीं जा सकता। लाली देखा है? पहली बार चुटी ना देखा ही नहीं। पहला फुना मार। उभारो उभारो। ओए लाली, लाली भैया जे आ रही आ रही। ए दिया वाइट बिल्ला। लाली भैया जे जो जो भैया त्रे अरे बाप रे, चार से। लाली जो भैया छे, जो भैया छे, भैया छे। आंखो खुली छे नी? बच्चा नी नहीं खुली, दूध पीवे छे। गाइस देखो, चार चार पिल्ले। लाली कांग्रेचुलेशंस। गुस्सो ना कर लाली। હું કરા ગુસ્સો કરે બેટા, ભૈયો છે જૈસા કે આપણે દેખા કેસે હમ લોકો ને ઇન ચાર પપીઝ કો રેસ્ક્યુ કિયા। वैसे ये पहली बार नहीं है कि लाली ने इतने बच्चे दिए, ये फोर्थ टाइम लाली ने बच्चे दिए हैं। चीकू भी इसकी ही बेटी है, और ये अभी और चार पिल्ले, बहुत ही। वैसे ये देखो पूरा गिर ही चुका है, कुछ ऐसी कंडीशन है ही नहीं, पूरा एक गिरा हुआ है और कभी भी गिर सकता है, इसलिए हम लोग बच्चों को यहाँ पर रेस्क्यू करने आ चुके हैं। बच्चों तारू छे बेटा, लइए लइए अपने घरे, चलो આપણા ઘરે જવાનું બેટું। મને ચીકલો છે, મળો મને ચીકલાને ઘરે લઈ જવાનું છે, અહીં નથી રાખવાનું, ગઈ ગંદામાં રૂંગવાનું તારે। આપણું ઘર છે ને બેટા, તારું ઘર છે ને બેટા, પપ્પાનું ઘર છે, તારું પોતાનું ઘર છે ને, સરસ પંખો બંખો ચાલુ કરી ઊંઘવાનું ને, પંખો મીકી આપું છલો ચલો તને, આલી કલવા માટે પાથલવાનું આલું મળી દીકલીને। એક વચ્ચે ના વહા પર પીછે ચલા ગયા, વો દેખો બ્લેક, ટોટલી બ્લેકિશ। ફ્યુ મોમેન્ટ્સ લેટર ચલા, તમે જાતમાં પકડી રાખો, ચલો બેટા મને જોશો ને તો એ કરશો, ચલો બેટા તમે તમે જશો તો જે આવશો। હા ચાલ ચાલ, તમે આગળ એક કામ કરો, આગળ પહેલા બચ્ચું ચડાવી દો, ચલો ચલો ચલો, સદ્ધાન આપી દઉં, સદ્ધાન પાછળ જશે, પાછળ જશે એટલે પ્રિયુ મારા તે એની કરતી તો પ્રિયુ તો હાથે તો વાત જ દૂર છે। હા બેટા, ધ્યાનથી ધ્યાનથી, હા હા લાલી જતી રહે, જા બેટા જતી રહે, જા જાઓ જતા રહો, જાઓ જાઓ લાલી।
आ लालू चार। सो गाइस देखो लाली के लिए हम लोगों ने शीरा बनाया है खुशी में, क्योंकि चार चार पपीज को उसने जन्म दिया है। और गाइस वैसे मैंने आज हेयर कट करवाया, कैसा लग रहा हो आप बताओ। और अभी आज के ब्लॉग को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि आज के ब्लॉग में अभी देखो टाइम मैंने सोचा था कि 9 बजे मैं ब्लॉग रख दूंगा, बट अभी यहाँ पर ही 9 बज चुके हैं क्योंकि पपी को रेस्क्यू करने गया था मैंने ना। मुझे पता था लाली को, मैंने देखकर ही बोल दिया था कि इसके पेट में बच्चे हैं और 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम चीकू के टाइम भी यही सेम हुआ था। और मेरा ना गाइस पता नहीं क्यों मैंने BSc माइक्रोबायोलॉजी लेकर रखा है, मुझे चाहिए वेटरनरी, मुझे सीखना है वेटरनरी डॉक्टर, मुझे बनना है वेट, बनना है मुझे नहीं हो सकता। उसका रीज़न है मुझे यहाँ से आनंद पढ़ने जाना पड़ेगा और रोज़ का अप डाउन जो मैं नहीं कर सकता, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, और उसमें रोज़ जाना पड़ता है जो मेरे लिए हर बार पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि गाइस मैं हूँ बिजनेसमैन, मुझे अपना बिजनेस कैटरिंग का संभालना होता है, कभी भी ऑर्डर आ सकता है और कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं वो नहीं कर सकता। बट पापा भी जानते हैं, मम्मी भी जानती है, और प्रियु भी जानती है कि मैं हाँ वेटरनरी डॉक्टर के लिए मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मम्मी पापा को भी बताई जा रहा पापा पापा। वैसे गाइस कुकू एकदम बढ़िया हो चुका था, तो मैंने सैटरडे कॉलेज, जब मैं सैटरडे कॉलेज गया तो मैंने उसको उसके मम्मी के पास छोड़ दिया, मतलब एक गया और 4 आ गए और जब कुकू गया ना तब दर्द बहुत ही हवा में आ गया था, क्योंकि ना अभी वो एक ही बच्चा था कि वो हमारे सिर पर चढ़ सके, अभी 4-4 बच्चा आ गए, अभी एकदम चुपचाप बैठा है, अभी इसको पता चल गया कि वाट लगने वाली है। और प्रियु मैगी लेकर आ गई, एक मैगी। तू डाइट करता है या क्या करता है? डाइट वाइट है, बट प्रियु एक खाने देना यार। नहीं, कितने रुपए चाहिए बोल इसके? 12 रुपए 12 रुपए ले चाहिए नहीं मिलेंगे। सो गाइस अभी मैं यहाँ पर ब्लॉग को करता हूँ, एंड अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर अभी ब्लॉग को जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और सॉरी ब्लॉग लेट आया, बट गाइस आज सुबह से मेरी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा हुआ ही नहीं कि मैं ब्लॉग शूट करूँ, और अभी रात आते आते देखो कैसा अच्छा सीन हो गया। सो अभी मैं ब्लॉग रख रहा हूँ, पता नहीं कब तक मैं ब्लॉग रख पाऊंगा। चलो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय सियाराम।